18 प्लस वालों का बिना बुक किए लगा सकेंगे कोरोना का टीका आज। दिनांक 16/5/2021 को टेरागाज प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में टेरागाज प्रखंड के सभी पंचायत के अलग अलग जगह में 20 जगहों में वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। शिविर लगाकर जिसमें 18 प्लस उम्र लोगों को भी बिना बुक किए टीका लगाया जाएगा। वो टेरागाज प्रखंड विकास पदाधिकारी गुलजारी कुमार पंडित ने बताया कि 45 प्लस वालों को ऑन द स्पॉट रजिस्टर्ड कर टीका लगाया जाएगा, साथ में आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों में आज 20 जगह शिविर लगाकर कोरोना का टीका लगाया जाएगा ग्रामीणों को। प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय में टेरागाज के प्रखंड के आंगनवाड़ी केंद्र के सेविकाओं को महिला सुपरवाइजरों ने अपने अपने क्षेत्र में वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने की बात कही। क्या तो कि बिहार सरकार द्वारा अभी सभी पंचायतों में वैक्सीनेशन के लिए शिविर लगाया गया है। 45 साल से अधिक की उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है, उसके बीच 18 वर्ष के अधिक के लोगों को भी कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। वहीं महिला सुपरवाइजर द्वारा सेविकाओं को अपने अपने पोषक क्षेत्र में लोगों को जागरूक समझा बुझा कर शिविर में लाकर कोरोना का टीका लगाने की बात कही। कोरोना टीका लगाने को लेकर महिला सुपरवाइजर ने आंगनबाड़ी सेविकाओं से बात की। सामाजिक कार्यकर्ता अकमल शमशी ने टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के हाटगांव पंचायत के आदिवासी गांव में पहुंचकर आदिवासी समाज के लोगों की जन समस्या को सुना। वहीं आदिवासी समाज के लोगों ने कहा कि हम लोगों के गांव में बिजली 2 वर्ष पूर्व आया था, लेकिन बिजली उपलब्ध है, लेकिन हम लोगों को विभाग द्वारा मीटर नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग बिजली जलाने से वंचित हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अकमल शमशी ने स्थानीय जय को आवेदन देकर हाटगांव पंचायत के आदिवासी गांव के लोगों को मीटर उपलब्ध कराने की मांग की थी। वहीं जई ने आवेदन लेकर पंचायत के लोगों को मीटर उपलब्ध कर दिया गया और लोगों को मीटर लगा दिया गया है। ज्ञात हो कि हाटगांव पंचायत के आदिवासी समाज के लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज यहां के लोगों को बिजली, शुद्ध पेयजल, शिक्षा इत्यादि के लिए घोर कमी है। ना ही इन लोगों के पास कोई मूलभूत सुविधा है, ना ही कोई ये जिसको लेकर आवेदन किया। टेरागाज प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित पंचायत के अलग अलग उप स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना जांच किया जा रहा है। ज्ञातों के ग्रामीण क्षेत्र अब धीरे धीरे कोरोना बीमारी घटने लगा है। वहीं प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जाकर शिविर लगाकर वैक्सीनेशन एवं कोरोना का जांच ग्रामीणों से करवा रहे हैं और लोगों को कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं। इसी क्रम टेरागाज प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा कर्मियों द्वारा ग्रामीणों का कोरोना का जांच किया जा रहा है और डॉक्टर की सलाह से लोगों को घरों पर रहने की बात कह रही है। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से बढ़ने लगा था। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासन द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगाकर वैक्सीनेशन एवं कोरोना का जांच शिविर लगाकर लोगों का किया जा रहा है। इसी क्रम टेरागाज प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रखंड के अलग अलग जगह सहित ग्रामीणों का कोरोना का जांच किया जा रहा है। आज प्रखंड विकास पदाधिकारी गुलजारी कुमार पंडित, प्रधानमंत्री आवास सहायक संभव कुमार ने टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायत का दौरा कर प्रधानमंत्री आवास लाभुकों से मिलकर आवास पूर्ण करने की बात कही। ज्ञात हो कि जो लाभुक पहला और दूसरा किस्त लेने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास का कार्य शुरू नहीं कर दिया गया, उसको जागरूक करने के लेकर डोर टू डोर उनके घर पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास लाभुकों से मिलकर आवास पूर्ण करने की बात कही। ज्ञात हो कि टेरागाज प्रखंड विकास पदाधिकारी गुलजारी कुमार पंडित लगातार क्षेत्र का दौरा कर प्रधानमंत्री आवास लाभुकों से मिलकर आवास पूर्ण करने की बात कही। इसी क्रम में टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के हवाकोल पंचायत एवं ढवेली एवं झुंड की मुसारा एवं भोरा पंचायत का दौरा किया।